फाइनली दोस्तों इंतज़ार का घड़ी होता है ख़त्म, क्योंकि एयरटेल ने अनाउंस कर दिया है कि अब इंडिया के अंदर सबसे पहला जो 5G सर्विसेज होने वाला है वो एयरटेल के तरफ से आने वाला है, और इसका ही एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी कर चुका है एयरटेल हैदराबाद पे। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे इसी एयरटेल के नए 5G सर्विसेज के बारे में। देखते हैं क्या इस 5G सर्विसेज के अंदर है, कब से मिलते रहेगा हम लोगों को ये सर्विसेज, कैसे कैसे ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, सारे चीज़ के बारे में आप लोगों के सामने आज क्लियरली बात करेंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ऑलरेडी एयरटेल ने हैदराबाद के अंदर अपना जो नया 5G सर्विसेज है उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, और उसके अंदर जो परफॉर्मेंस निकल कर आया है वो काफ़ी सही आया है। जो स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसी के चलते जो एयरटेल है वो बन जाता है एयरटेल के जो इंडिया के सबसे पहला एक 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला टेलीकॉम कंपनी, जो इतना दिन से हम लोग जियो की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनली एयरटेल ने करके दिखाया है। अब बात है कि ये जो टोटल सर्विसेज है 5G सर्विसेज, यहाँ पे आप लोगों को किस टाइप का बैंडविड्थ वगैरह मिलने वाला है। जहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम को यूज़ किया गया है इस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला था 1800 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड देखने को मिला था, जिसको यूज़ करके एयरटेल जो है इस डेमोन्स्ट्रेशन को चलाया था। और इसी के चलते एयरटेल बोल रहा है कि जो स्पीड था वो पहले से 10 गुना बढ़ चुका है। मतलब अगर आप 4G पे जो स्पीड को एक्सपीरियंस करते थे उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड आप लोगों को 5G के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है उसके चलते दोस्तों यहाँ पे एयरटेल ने एरिक्सन के साथ अपना जो टाई अप है उसको किया है, और दोनों मिलके इस 5G सर्विसेज को इंडियन मार्केट पे लेके आ रहा है, और बहुत जल्द हम लोगों को ये रोल आउट होते देखने को मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अब बात है यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम को यूज़ किया गया है मिड बैंड स्पेक्ट्रम को, वहाँ पे आप लोगों को 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़ एंड 2300 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो देखने को मिला था। अगर हम सब गीगाहर्ट्ज़ बैंड का बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे 800 मेगाहर्ट्ज़ एंड 900 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड जो है वो देखने को मिला है। तो लगभग अगर आप देखते हो कि जो स्पीड है वो आप लोगों को काफ़ी सही मिलेगा, चुटकी भर में आपका जो डाउनलोड वगैरह है, अपलोड वगैरह है, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाएगा, आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अब बात है कि यहाँ पे जो 4G टावर्स वगैरह है, जो मेकानिज्म को यहाँ पे इस 5G स्पेक्ट्रम को या 5G जो कनेक्शन है उसको स्प्रेड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसी के चलते जो भी एग्जिस्टिंग 4G टावर्स वगैरह है उसी के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद ही हम लोग इस 5G को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली आपके पास एक 5G एनेबल फ़ोन होना चाहिए। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का ज़रूरत नहीं हो रहा है। अगर आप टावर के साइड से देखते हो तो जितने भी एग्जिस्टिंग 4G टावर्स है आपके एरिया के अंदर या पूरे देश के अंदर, वहीं पे उसी टावर को काम पे लेते हुए एयरटेल जितने भी 5G जो कनेक्टिविटी है उसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा देगा। तो मेरे हिसाब से एयरटेल ने जो ये काम किया काफ़ी सही काम किया है। अब बात है कि जब ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था तब दोनों स्मार्टफोन को काम पे लिया गया था, जिसके अंदर ये जो है इस चेकिंग वगैरह जो है पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, और जिसके अंदर जो स्मार्टफोन था उसमें से एक था का ओप्पो रेनो 5 प्रो एंड उसके साथ था आपका ओप्पो फाइंड X2 प्रो। तो दोनों ही काफ़ी अच्छा फ़ोन है, एंड इसी दोनों फ़ोन के अंदर यहाँ पे आप लोगों का ये 5G जो स्पेक्ट्रम या 5G जो टेक्नोलॉजी है इसको चेक किया गया था, एंड जो रिजल्ट निकल कर आया है एयरटेल के माध्यम से जितना दूर तक पता चल रहा है कि काफ़ी सही स्पीड हम लोगों को देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो 5G टेक्नोलॉजी है, ये हम लोगों के पास पहुँच जाएगा। अब अगर बात करते हैं हम लोग खर्चा वगैरह के बारे में कि इस 5G टेक्नोलॉजी को अपने पास अपनाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। देखो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अगर देखते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो अभी नहीं है, ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम वगैरह खरीदने के लिए या उसका जो बैंड वगैरह है उसको उसी जगह पर एक जगह पर कॉन्स्टेंट रखने के लिए काफ़ी सारे मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है, काफ़ी सारे पैसा खर्चा करना पड़ता है। बट अगर आप टावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड से बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा पैसा मतलब एयरटेल
एयरटेल को खर्चा करने का ज़रूरत नहीं हो रहा है, तो जितने भी एग्जिस्टिंग टावर्स वगैरह है उसी पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से इस 5G टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो उतना ज़्यादा खर्चा हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वी हैव टू पे अ ह्यूज और लॉट ऑफ मनी फॉर बाय दैट 5G नेटवर्क कनेक्शन जो भी है बोल सकते हो, उतना ज़्यादा पैसा आपको पे करने का ज़रूरत नहीं होगा। 4G जितने के लिए जितना पैसा 4G के लिए पे कर दो, हो सकते उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा पे करने के बाद आपका जो फ़ोन है उसके अंदर आप 5G का मज़ा उठा पाओ। बट एक चीज़ याद रखना, अब लगता है कि जब ये 5G रोल आउट होने वाला है एयरटेल के तरफ से काफ़ी जल्द इंडियन मार्केट के अंदर, अब लगता है कि जो लोगों के पास 5G स्मार्टफोन है वो लोग सही किए हो। देखो जितने दूर तक हम लोग सोचे थे जियो के बारे में कि जियो सबसे पहले लेके आएगा, बट बात जैसे चल रहा था जियो का कोई भी श्योरिटी नहीं मिल रहा था, बट अब लगता है कि एयरटेल जब लेके आ गया है तो जो लोग भी 5G फ़ोन खरीद कर रखे हो या नया नया 5G फ़ोन अभी के टाइम पे खरीदे हो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का बात हो सकता है। एंड 5G आने के बाद अगर आप लोग उस 5G के स्पीड को प्रॉपरली एंजॉय कर रहे हो तो ऑब्वियसली दोस्तों मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से या DM करके बताने का आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा है, और मैं भी कोशिश करूँगा इन फ्यूचर 5G को यूज़ करने का, अगर 5G अवेलेबल हो जाए तो जितना जल्दी अवेलेबल होगा उतना ही हम सभी लोगों के लिए फ़ायदे का बात है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही बोलना था, और जितना दूर तक बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सेकेंड हाफ ऑफ 2021 मतलब आप लास्ट का जो 6 महीना होता है उसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कब तक ये फाइनली हम लोगों के पास आता है, कब तक लोगों के लिए लाइव होता है, बट उम्मीद करेंगे कि अब जो ये जो टेक्नोलॉजी पर रेवोल्यूशन आ रहा है 5G का, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा हम लोगों को इन फ्यूचर बहुत सारे और नए नए काम को आगे लेके जाने के लिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जानकारी सुनकर अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।